हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे भाई। सेशन जो है आपका स्टार्ट होने जा रहा है, फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए। और जो ऑनलाइन आ चुके हैं भाई, वो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे ताकि सेशन को फटाफट से हम लोग स्टार्ट करें। तो जो लोग जुड़ गए हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग भी फटाफट से जुड़ जाइए। तो मैं आपका एजुकेटर मोहित शर्मा स्वागत करता हूँ आपका इंडियाज के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, जहाँ पर आप चैट कर सकते हैं अपने एजुकेटर के साथ, एंगेज हो सकते हैं डिस्कशन में, डाउट पूछ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं थ्रू पोलिंग। बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन रहता है। लाइव टेस्ट एंड क्विज आपको मिलते हैं, जिससे आप इवेल्युएट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को थ्रू रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विज, और डिटेल्ड एनालिसिस पा सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस का। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके सिलेबस के हिसाब से लाइनअप किए होते हैं भाई, ठीक है। और आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। इसका क्या मतलब होता है? आपको केवल एक ही सब्सक्रिप्शन पैक लेना होता है, और जितने भी एजुकेटर्स होते हैं आपके सिलेक्टेड गोल में, उनका लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाता है। आप उसको अपने समय के अनुसार जब चाहें तब देख सकते हैं रिकॉर्डिंग्स को। इसके लिए आपको करना केवल इतना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेनी है फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, आपको मिलेंगी ढेर सारी फ्री लाइव क्लासेस, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है भाई। ऐप इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको अपना जो है गोल सिलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ सिलेक्टेड गोल है एनडीए एयरफोर्स एक्स वाई नेवी, तो आप देख पा रहे हैं इस कैटेगरी के अंदर, यानी इस गोल के अंदर 1400 से ज्यादा कोर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। एयरफोर्स एक्स वाई के 192 कोर्स हैं, नेवी के 91, एनडीए के 267। यही नहीं, सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के 271 कोर्सेज हैं, इंग्लिश के 203 कोर्सेज हैं, इसी प्रकार से साइंस, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। आपको सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप पहली बार ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप मेरा रेफरल कोड MSM10 यूज कीजिएगा, ताकि आप अपने फ्री कंटेंट को अनलॉक कर लें। आपको ढेर सारे क्विज मिलेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। क्विज ज्वाइन करना बहुत इजी होता है, फिर भी आप एक बार इन 5-6 स्टेप से इनका स्नैपशॉट ले लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप इनको फॉलो कीजिएगा, आप इजिली क्विज ज्वाइन कर पाएंगे। स्पेशल क्लासेस रहती है भाई अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। मोहित शर्मा के नाम से मुझे सर्च कीजिए, ये प्रीवियस ईयर सीरीज की स्पेशल क्लास ले रखी है मैंने टॉपिक वाइज, ये आप देख सकते हैं। और ये सारी की सारी क्लासेस आपके लिए है भाई, टोटली फ्री, ठीक है। इसके अलावा क्लासेस भी है, पेड बैचेस भी हैं। एक रनिंग बैच चल रहा है मेरा, दो मैं बैच ले चुका हूँ। तो अगर आप उन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन पैक ले सकते हैं भाई। राइट हैंड साइड में आपको नॉर्मल चार्जेस दिखेंगे सब्सक्रिप्शन पैक के, बट अगर आप मेरा रेफरल कोड MSM10 यूज करेंगे तो आपको मिलेगा डिस्काउंट। मिनिमम 1 मंथ का पैक होता है भाई, 1 मंथ का पैक 1584 रुपये का होता है, ठीक है। बट अगर 1 मंथ की जगह आप 1 ईयर का पैक लेते हैं तो नो कॉस्ट EMI के साथ ये आपको पड़ता है मात्र 726 रुपये पर मंथ। तो आप देख पा रहे हैं प्राइस आपका एकदम आधे से भी कम हो जाता है अगर आप 1 मंथ की जगह 1 ईयर का पैक लेते हैं भाई। जय हिंद कुमार जी। और अगर 2 ईयर का पैक ले लेते हैं तो ये आपको पड़ता है भाई 528 रुपये पर मंथ। इसमें से कोई भी पैक आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा भाई, इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिपोर्ट एंड विन अपॉर्चुनिटी है लर्नर्स के लिए, कि अगर आप कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है किसी वीडियो में, कोई ऐसी लैंग्वेज या भाषा का यूज किया गया है, तो आप उसको रिपोर्ट कर प्राइस क्लेम कर सकते हैं भाई। रिपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आपको लिंक फिलअप करना है। उस लिंक में अगर आपको कुछ भी, उस लिंक में आपको मेंशन कर देना है कि आपको क्या गलत लगा, तो हमारी ऑडिट टीम आपकी रिपोर्ट को ऑडिट कर लेगी। अगर आपकी रिपोर्ट सही पाई जाती है तो आप क्लेम कर सकते हैं प्राइजेस। चलिए ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। तो आज का जो हमारा सेशन है वह पाइप एंड सिस्टम पर बेस्ड है। पाइप एंड सिस्टम सेम वैसा ही है जैसे आपका टाइम एंड वर्क था, कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेंगे। सॉरी,
तो आइए देखते हैं भाई किस टाइप से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। देखिएगा भाई आपको दे रखा यहाँ पर कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 एंड 32 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन देन आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप बी शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फिल्ड इन 18 मिनट्स। गुड इवनिंग हिनू जी। आपको कहते हैं दो नल है भाई ए एवं बी जो किसी टंकी को क्रमशः 24 व 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय के बाद नल बी को बंद किया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाएगी। तो देखो भाई ए भर सकता है 24 मिनट में और बी भर सकता है इसी को 32 मिनट। सेम टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट है। दोनों का एलसीएम लेंगे भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा 96। 24 4 32 36। ठीक है भाई आपको याद आ रहा होगा सेम ये वही चीज है कि इतने दिनों बाद एक बंदे ने काम छोड़ दिया उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। ए और बी की एफिशिएंसी आपके पास आ गई। अब आपको देखो क्या बोला हुआ है। आपको बोला है कि नल ए को अगर मैं आपको डायग्राम से बना के दिखाऊं तो देखो भाई आपको याद आ जाएगा सेम टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट है। ए और बी दो नल है। इन्होंने किसी टंकी को भरना है जो 18 मिनट में भरेगी। ठीक है तो आपको किसको बंद करना है भाई बी को। कुछ टाइम के बाद बी को बंद करना है। ए पूरा टाइम चलती रहेगी ताकि टंकी कितने टाइम में भरे भाई 18 मिनट में। ताकि आपकी टंकी कितने मिनट में भरे 18 मिनट। ठीक है तो बस सिंपल है। देखो यहां से आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा है भाई क्या क्लियर हो रहा है कि जो आपकी टैंक है ठीक है वो कितने में 18 मिनट में भर जाएगी। ठीक है ना। 18 मिनट में भरने का मतलब क्या है भाई जो आपकी टैंक जो आपका ए है पाइप ए है वो कितनी देर चलता है भाई वो 18 मिनट चलता है। ठीक है और बी का आपको टाइम निकालना है। सिंपल है भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है 4। ए कितने देर चलता है भाई 18। तो 18 मिनट में 4 की एफिशिएंसी से कितना काम कर देगा भाई 72 काम कर देगा। तो 96 में से 72 काम माइनस कर दीजिए। जैसे इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 24। सेम वैसे ही वही कंसेप्ट। अब ये किसका वर्क हो गया वर्क ऑफ बी। ठीक है ना। अब ये जो 24 आया किसका हो गया भाई वर्क ऑफ बी। तो टाइम निकाल दीजिए किसका बी का। उसके लिए क्या करना होगा वर्क कार्य डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। 3 8 24 कितना आ जाएगा भाई 3 मिनट सॉरी 8 मिनट। ठीक है यानी 8 मिनट बाद अगर आप नल बी को बंद कर देते हैं तो टैंक कितने टाइम में भर जाएगा भाई 18 मिनट में भर जाएगा। क्लियर है समझ पा रहे हैं। सेम वही टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट है भाई कुछ अलग नहीं है। ठीक है जैसे उसमें था दो लोग काम कर रहे हैं एक कुछ दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है पूरा काम इतने दिन में होता है तो बताइए कि एक ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। सेम वही चीज है बस लैंग्वेज बदल गई है यहाँ पर। ठीक है ना। तो वही कंसेप्ट आपको लगाने हैं। क्लियर है तो बताइएगा भाई नहीं क्लियर तो पूछ लीजिए। ठीक है इजी है मुश्किल नहीं है। सेम वही कंसेप्ट है आपके सारे के सारे। चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। कहते हैं टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 एंड 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट पाइप बी इज क्लोज्ड 6 मिनट्स बिफोर द सिस्टर्न विल फुल इन व्हाट टाइम द सिस्टर्न विल फुल। कहते हैं दो नल ए एवं बी होज को क्रमशः 8 व 24 मिनट में भर सकते हैं यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। ठीक है भाई। तो होज भरने से किंतु होज भरने से 6 मिनट पहले नल बी को बंद कर दिया जाता है तो होज कितने समय में भरेगा। होज मतलब टंकी होता है भाई टैंक कितने टाइम में भरेगा। तो सेम वही टाइप है जैसे आपको बताया था कि काम पूरा होने से 5 मिनट पहले 5 दिन पहले या 2 दिन पहले बी चला जाता है। ठीक है ना। तो वही टाइप है ये सेम एज इट इज। तो ए 8 मिनट में बी भरता है भाई आपका 24 मिनट में। 8 और 24 का एलसीएम लोगे तो 24 आ जाएगा। 8 3 24 बन जाए ये इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई। ठीक है समझ रहे हो। अब देखो क्या दिया हुआ है आपको।
टंकी भरने से 6 मिनट पहले वो चला जाता है। ठीक है भाई, टंकी भरने से 6 मिनट पहले चला जाता है। यहाँ पर बना देते हैं भाई, ये आपका ए था बी था, यहाँ पे कहीं टैंक भर जाना था। टैंक भरने से 6 मिनट पहले बी को बंद किया, आपने बी को बंद किया 6 मिनट्स बिफोर, ए पूरा चला 6 मिनट पहले बंद किया, तो मेरे पास डाटा नहीं है कितना टाइम बी चला। तो आप क्या करेंगे, बी को जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे 6 मिनट और रोकेंगे, बी को क्या करेंगे भाई 6 मिनट एक्स्ट्रा रोकेंगे। तो आप बी को 6 मिनट एक्स्ट्रा रोकेंगे, 6 मिनट एक्स्ट्रा, 6 मिनट एक्स्ट्रा रोकोगे तो 1 मिनट में कितना काम करता है भाई, 1 यूनिट, तो 6 मिनट में कितना करेगा 6 यूनिट, तो 6 एक्स्ट्रा काम करेगा। तो अब की बार आपको क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। अब ये 30 किसका वर्क होगा भाई, वर्क ऑफ ए एंड बी। देखो अब डायग्राम में देखो, ए और बी दोनों ही आखिरी दिन तक ठीक है काम कर रहे हैं, मतलब दोनों ही लास्ट तक काम कर रहे हैं, तो 30 वर्क ए एंड बी का हो जाएगा। तो आपको टाइम भी किसका निकालना होगा इस बार, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का टाइम वर्क 30, एफिशिएंसी 3 इसकी 1 इसकी 4, 4 7 28, ठीक है भाई 2/4, ठीक है ना, इसको आप क्या बोल सकते हो 7 मिनट 30 सेकंड्स, ठीक है भाई 7 मिनट 30 सेकंड भी बोल सकते हो, और या 7 से ही 1/2 मिनट भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, 7.5 मिनट या 7 मिनट 30 सेकंड, डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन कैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, सेम वही टाइप है, सेम वही कंसेप्ट लग रहे हैं जो टाइम एंड वर्क के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में लगे थे। तो एक्चुअल में पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है भाई, ठीक है ना, मतलब अगर आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से आ गया तो पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कहता है बॉय एंड अ गर्ल टुगेदर फिल अ सिस्टर्न विद वाटर, द बॉय पोर 4 लीटर वाटर इन एवरी 3 मिनट एंड गर्ल पोर 3 लीटर वाटर इन एवरी 4 मिनट, इन हाउ मच टाइम दे विल फिल 100 लीटर ऑफ वाटर इन द सिस्टम। आपको दिया है एक लड़का तथा लड़की मिलकर किसी होज को पानी से भरते हैं, लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी उड़ेलता है, जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेलती है, तो हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है, अगर मैं बुआई की बात करूं, बुआई क्या करता है भाई, बुआई करता है 3 मिनट में कितने लीटर पानी डालता है भाई, 4 लीटर, और जो लड़की है वो क्या करती है, वो 4 मिनट में कितने लीटर पानी डालती है भाई, 3 लीटर। तो यहां से मैं इनकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, एफिशिएंसी क्या होती है भाई 1 मिनट का काम, तो 3 मिनट में 4 लीटर पानी, तो 1 मिनट में कितना डालेगा भाई 4/3 लीटर। सिमिलरली 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है तो 1 मिनट में कितना पानी डालेगी, 3/4 लीटर। ठीक है, अब दोनों की एफिशिएंसी जोड़ लो भाई, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ने का मतलब 4/3 + 3/4, ठीक है ना, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ लीजिए तो कितना हो गया भाई 16 + 9, ये हो गई दोनों की एफिशिएंसी 25/12। ठीक है, अब आपको टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है, वर्क बाय एफिशिएंसी, तो वर्क आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कितने लीटर पानी भरना है भाई 100 लीटर, तो 100 को आपको डिवाइड करना है भाई किससे, 25/12 से, तो 25 यहाँ आ जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों की कंप्लीट एफिशिएंसी लगेगी, बॉय की एफिशिएंसी ये है, गर्ल की एफिशिएंसी है, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25/12, कर दीजिए डिवाइड, कितना टाइम लगेगा भाई 48 मिनट्स, 12 × 48 यानी कितना टाइम लगेगा 48 मिनट का समय लगेगा। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है तो बताएंगे, कोई डाउट है तो पूछिएगा भाई, क्लियर हो जाता है तो भाई वाई टाइप कर दिया करो, और कोई डाउट होता है तो पूछ लिया करो, ठीक है, फटाफट से बताएंगे भाई क्लियर है या डाउट है, वाई वाई वाई, ठीक है भाई एकदम क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है।
चलिए तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने देखिएगा, आपको दिया हुआ है टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12 एंड 16 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। बोथ पाइप्स आर ओपन टूगेदर बट आफ्टर 4 मिनट्स बिफोर द सिस्टर्न इज फुल पाइप ए इज क्लोज्ड। हाउ मच टाइम द सिस्टर्न टेक टू फिल? भाई बट आफ्टर 4 मिनट नहीं होगा, आफ्टर काट दीजिए, बट 4 मिनट बिफोर द सिस्टर्न इज फुल, ठीक है, पाइप ए इज क्लोज्ड, हाउ मच टाइम टेक टू फिल द सिस्टर्न? आपको दिया दो नल ए व बी होज को क्रमशः 12 व 16 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए किंतु होज भरने से 4 मिनट पूर्व पहले नल ए को बंद कर दिया जाए तो होज को भरने में कितना समय लगेगा? जैसे अभी किया था सेम वैसे ही, ठीक है, ए का टाइम है 12 मिनट, बी का टाइम है भाई 16 मिनट, 12 और 16 का एलसीएम 48 आ जाएगा, 12 चौक 48, 16 3 48। अब देखो भाई, 4 मिनट पहले आपने ए को बंद किया तो ए को 4 मिनट और चला दो, 4 मिनट और चलाओगे तो 4 4 16 यूनिट और काम करेगा, 48 प्लस 16, 48 प्लस 16 करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 64। अब ये 64 काम किसका होगा? दोनों का, ए और बी दोनों का। तो आपको टाइम निकाल लेना है भाई ए प्लस बी का, ए प्लस बी का टाइम क्या आएगा 64 डिवाइडेड बाय दोनों की एफिशिएंसी कितनी 7, तो 7 9 63, 1/7 मिनट, तो आंसर आ जाएगा भाई 9 सही 1/7 मिनट इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब देखो मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको टाइम एंड वर्क में भी अच्छी तरह ये क्वेश्चंस कराए हैं इस टाइप के, ठीक है ना, तो डायग्राम मत बनाइए, बस आपको ये चीजें तो बस समझाने के लिए बनाता हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही करना है बस फटाफट से, ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं क्लियर तो पूछ लीजिए भाई फटाफट से, बताइए एक बार, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। वाई 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 वाई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए भाई आपके सामने, आपको दिया टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 48 एंड 36 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर देन आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप ए इज क्लोज सो दैट द टैंक विल फिल इन 25 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे टाइम देखिए 25 मिनट 30 सेकेंड दे रखा है। कहते दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 48 व 36 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय के बाद ए को बंद करें ताकि टंकी 25 मिनट 30 सेकेंड में भर जाए? आइए भाई बनाते हैं क्वेश्चन को। ए है बी है, ए 48 बी 36, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा भाई 144, ठीक है, क्योंकि 48 में भी 12 आता है, 36 में भी 12 आता है, 12 का स्क्वायर 144, 144 दोनों से कट जाएगा, ठीक है, 48 या 144, 36 चौके 144, ठीक है, तो इनका रेशो एफिशिएंसी आ गई भाई 3 और 4। अब कहता है कि कितने टाइम बाद ए को बंद कर दिया जाए, इसका मतलब बी पूरा चलेगा। अब बी का टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी के टाइम के लिए आपको करना पड़ेगा 25 मिनट तो आपके पास पूरे हैं, बट 30 सेकंड, 30 सेकंड के मिनट बना लीजिए तो कितना हो जाएगा भाई 1/2, तो 25 1/2, 25 दुनी 50 और 1 51/2 मिनट होगा, समझ रहे हो भाई मैंने क्या किया है, 25 मिनट 30 सेकंड था ना, 25 मिनट तो पूरा था, 30 सेकंड के मिनट बनाऊंगा तो आधा मिनट आएगा, तो 25 सही 1/2 मिनट हो गया, या 25 प्लस 1/2 लिख लो, 25 दुनी 50 और 1 51/2 मिनट हो, तो इसका मतलब ए को तो बंद करना है, तो कौन चलता रहेगा भाई, बी, बी चलता रहेगा जब तक टैंक नहीं भर जाता। टैंक कितने टाइम में भरता है, 51/2 मिनट में, 51/2 मिनट में भरने का मतलब है
बी 51/2 मिनट तक चलेगा, तो 51/2 मिनट में कितना काम कर लेगा भाई, 102 काम, तो 144 में से 102 काम माइनस कर दीजिए, कितना बच गया भाई 42। अब ये 42 काम किसको करना है, ए को। टाइम किसका निकालेंगे भाई, ए का। 42 काम करेगा कितने की एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से, कितना आंसर आ गया भाई 14 मिनट। यानी 14 मिनट के बाद अगर आप ए को बंद कर देंगे तो टैंक जो है 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाएगा, ठीक है। 14 मिनट के बाद अगर आप टैंक ए को बंद कर देंगे तो आपका, सॉरी, टैप ए को बंद कर देंगे तो टैंक आपका 25 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीटली फिल हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा। बस बेसिस में यही था भाई कि आपको टाइम का यूनिट कन्वर्जन करना था इस बार, और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बाकी कंसेप्ट तो आपको पहले भी पता ही है, ठीक है। वाई वाई वाई, ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कहते हैं टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 4 एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली, व्हाइल पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी इट इन 8 आवर्स। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टूगेदर देन इन हाउ मच टाइम द होल टैंक विल फिल। कहते दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 4 व 6 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी अकेला उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। कहते यदि सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूरी भरेगी। अब इसको ध्यान से कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है क्या, यहाँ पे दो नल तो भर रहे हैं, तीसरा उसे खाली कर रहा है, ठीक है भाई। तो देखिए कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। ए भरता है भाई 4 घंटे में, बी भरता है 6 घंटे में, और सी खाली करता है 8 घंटे में। ये खाली कर रहा है इसलिए मैं इसके आगे माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जो खाली करेगा उसके लिए हम आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, भरने वाले को प्लस ही रखेंगे। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या ले सकते हैं भाई, 12 तो नहीं जाएगा तो 24 तीनों पे चला जाएगा, 4 6 6 4 और 8 3। तो एफिशिएंसी के आगे भी क्या लगा दीजिए भाई, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये एम्प्टी करने वाला टैंक है, तो एम्प्टी करने वाले टैंक के आगे हम माइनस लगा। अब कहते हैं तीनों को अगर एक साथ खोलोगे तो टैंक कितने टाइम में भरेगा। तीनों को एक साथ खोलने का मतलब भाई ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी चाहिए। कंबाइन एफिशिएंसी देखो, 6 ये भरेगा, 4 ये भरेगा, 6 4 10, 10 लीटर ये भरेंगे, 3 लीटर ये खाली करेगा, तो नेट कितना भरेगा भाई, 7 लीटर। यानी तीनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे, 7 लीटर भरेंगे। तो टाइम निकाल दो, टाइम भी आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी तीनों का, उसके लिए वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क है आपका 24, एफिशिएंसी हो गई 7, 3 3/7 आवर्स आपका आंसर आ गया। 3 सही 3/7 घंटे में ये इसको भर दो, ठीक है भाई। ये आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा आवर्स। सिंपल है, बस खाली करने वाले को आपको ध्यान रखना है भाई, क्या लेना है, माइनस का लेना। खाली करने वाले को आपको क्या लेना है, माइनस का लेना है, ये आपको सिंपली ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या है तो भाई पूछेंगे एक बार, नहीं है तो फटाफट से वाई टाइप कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होना नहीं चाहिए वैसे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। वाई 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 वाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, आपको दिया है टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 1 आवर एंड 75 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है भाई, ध्यान से देखिएगा। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 1 आवर एंड 75 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। There is also an outlet pipe C. If all three pipes are open together, the cistern is full in 50 minutes. How much time will be taken by C to empty the full cistern? कहते हैं दो नल A और B एक होज को क्रमशः 1 घंटे व 75 मिनट में भर सकते हैं, जबकि होज में एक निकासी नल भी है। यदि सभी
तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो होज 50 मिनट में भर जाती है, तो नल सी होज को पूरा खाली करने में कितना समय लेगा? देखिए आपको दिया हुआ ए है जो भरता है 1 घंटे, 1 घंटे का मैं मिनट बना रहा हूँ भाई 60, क्योंकि बाकी सारा डाटा मिनट में, ठीक है। तो ए भरता है 60 मिनट में, बी भरता है 75 मिनट में, और तीनों मिलके भरते हैं, तीनों मतलब भाई ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके भरते हैं 50 मिनट, ठीक है। तीनों मिलके भरते हैं 50 मिनट में, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे भाई, 300 आपका एलसीएम आ जाएगा, 65 जा 75, 4 जा और 56, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बताना है हाउ मच टाइम सी, सी की एफिशिएंसी आपको निकालनी। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं भाई, एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली क्या करें, ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी को माइनस कर दें, यहाँ से क्या मिलेगा सी। 6 में से माइनस करेंगे 5 और 4 9 को, कितना आएगा 3, माइनस 3 आएगा, माइनस 3 इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या शो कर रहा है भाई, ये खाली करने वाला टैंक है। तो एक तो तरीका ये है डायरेक्ट आप माइनस करके एफिशिएंसी निकालो। दूसरा तरीका यहाँ समझिए भाई, आपको दिया ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी है 6, जहाँ पे ए की एफिशिएंसी 5 है बी की 4 है, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, तो 9 प्लस सी बराबर 6, तो सी यहाँ से भी आपका 3 आ जाएगा। तो चाहे आप ऐसे इक्वेशन बना के सॉल्व करें, चाहे यहीं पे आप माइनस करके सॉल्व कर लें, ठीक है ना, कि तीनों में से ए प्लस बी को माइनस कर दो कितना आ गया 3, ठीक है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो सी की एफिशिएंसी आ गई भाई 3, ठीक है। अब आपको टाइम निकाल लेना, टाइम किसका निकालेंगे सी का, वर्क कितना हो गया भाई 300, 300 बटा 3, 300 बटा 3 यानी 100 मिनट, तो इसका आंसर भाई 100 मिनट भी हो सकता है और 1 आवर, ठीक है भाई 60 प्लस 40 में तोड़ दो तो 1 आवर 40 मिनट्स भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में, ठीक है भाई। आंसर आपका 100 मिनट भी हो सकता है इसका, और ऑप्शन में मान लो 100 मिनट ना लिखा हो तो 1 आवर 40 मिनट्स भी लिखा हो सकता है, क्योंकि 100 को ब्रेक कर सकते हैं भाई 60 प्लस 40 मिनट में, ठीक है ना, तो 60 मिनट का 1 आवर बन जाएगा और 40 मिनट आगे एज इट इज। क्लियर है? क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो भाई पूछ। बताइएगा भाई फटाफट से। क्लियर है? चलिए फिर बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे भाई, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली, देयर इज अ थर्ड पाइप टू एम्प्टी इट बट द ऑपरेटर डिड नॉट नोटिस इट ड्यू टू विच इट कॉज्ड अ डिले ऑफ 1 आवर इन फिलिंग ऑफ टैंक। फाइंड द टाइम इन विच द थर्ड पाइप वुड बी एम्प्टीड द फिल्ड टैंक। कहते हैं दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 5 व 20 घंटे में भर सकते हैं, किंतु इसे खाली करने के लिए तीसरा नल भी है जिसके बारे में ऑपरेटर को ज्ञान ना होने के कारण टंकी को भरने में 1 घंटे का अधिक समय लगा। तो ज्ञात कीजिए तीसरा पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो ज्ञात करना तीसरा पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो देखिए भाई क्या कहानी है, कहता है कि भाई दो पाइप थे ए और बी जो टंकी को 5 और 20 घंटे में भर सकते, कहते बट उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप भी है, लेकिन ऑपरेटर को इसके बारे में नहीं पता था, ठीक है, जिसके ना पता होने के कारण क्या हुआ, टंकी को भरने में 1 घंटे का ज्यादा समय लगता है, तो आपको बताना है वो जो एम्प्टी करने वाला पाइप है वो भरे हुए टैंक को कितने टाइम में खाली कर। तो देखो भाई ए भर सकता था 5 में, बी भर सकता था 20 में, तो अगर इनके हिसाब से चलें तो 20 एलसीएम, 5 चौके 20, टाइम टू फिल टैंक, टाइम टू फिल टैंक बाय ए एंड बी
मतलब हमारे हिसाब से तो ए और बी भरेंगे। ए और बी कितने टाइम में भरेंगे भाई? 20/5 यानी 4 घंटे। ठीक है, देखो टंकी जितने टाइम में भर जाती है वो आपको नहीं गिवन, ठीक है ना, आपको ये नहीं गिवन कि टंकी कितने टाइम में भरती है, बट आपको ये गिवन है कि तीसरा पाइप खुला होने की वजह से टंकी को भरने में 1 घंटे का फालतू समय लगता है। तो फालतू समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि हमारे हिसाब से भरने वाले टैंक कौन है भाई, ए और बी। ए और बी अगर भरते तो टंकी 4 घंटे में भरती, लेकिन टैंक को भरने में 1 आवर का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो एक्चुअल में टैंक कितने टाइम में भर रहा है भाई? 4+1 पाइप, 5 घंटे में भर रहा है। कब? जब तीनों ओपन है। तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों ओपन है तो टंकी भरती है 5 घंटे में। समझ रहे हो 5 घंटे कहाँ से आए भाई? देखो नॉर्मली जो टैंक भरता है वो ए और बी ने भरना था, ए और बी ने भरना था 4 घंटे में, लेकिन सी के खुले होने की वजह से 1 घंटे का फालतू टाइम लगता है। तो टैंक कितने टाइम में भरता है भाई? 4 घंटे में नहीं, 5 घंटे में भरता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, ए भरता है 5 घंटे में, बी भरता है 20 में, और अगर तीनों खुले हो तो कितने में? 5 घंटे में। तो तीनों का एलसीएम 20 ही आएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा? 5 4 जा, तीनों की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। अब आपको सी की एफिशिएंसी चाहिए, मैंने बताया था कैसे निकालना है भाई, ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी माइनस कर दो। ए और बी माइनस करोगे तो ये कट गए, इसमें से इसको माइनस कर दो, इन दोनों का टोटल हो गया 5। 5 और 4 का डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा? 1। सी का टाइम कितना आ जाएगा भाई? सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? टाइम ऑफ सी क्या आ जाएगा भाई? 20/ में सी की एफिशिएंसी, यानी आंसर आ जाएगा 20 आवर्स। सी अकेला इसको कितने टाइम में खाली कर देगा भाई? 20 घंटे में खाली कर दो। समझ रहे हो, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 1 है, और ए बी सी तीनों की 4 है, तो 4 और 1 5, ठीक है ना। तीनों की एफिशिएंसी में से पहले 2 की माइनस कर दो, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, और आप अपना आंसर निकाल सकते। क्लियर है भाई? क्लियर है तो बताइएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखो कोई भी डाउट होता है भाई पूछिएगा, ठीक है, नहीं पूछेंगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। चलिए फिर बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में गिवन है भाई, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 30 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ए थर्ड पाइप सी कैन लीक्स आउट 45 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। ठीक है, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर द सिस्टर्न विल फिल इन 15 आवर्स, फाइंड कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दो नल ए एवं बी एक होज को 30 और 20 घंटे में भर सकते हैं। कहते हैं एक तीसरा नल होज से 45 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकालता है। कहता है अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। तो आपको ज्ञात करना है कि इस टैंक में कितना पानी आ सकता है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालनी है, इस टैंक में कितना पानी आ सकता है ये आपको निकालना। अब इसको करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पढ़ो भाई। क्वेश्चन में आपको दिया ए भरता है 30 आवर में, बी भरता है 20 आवर, कहते हैं और जो सी है वो 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकालता है भाई? 45 लीटर। सी 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकालता है, ठीक है, और मुझे बताना है उस टैंक में कितना पानी आ सकता है। तो अगर मैं कहीं से ये पता लगा लूं, सी की एफिशिएंसी एक तरह से आपको दिया, मतलब ये दिया हुआ है 1 मिनट में सी 45 लीटर पानी बाहर निकालता है, अगर मैं यहां कहीं से ये पता लगा लूं कि सी इस भरी हुई टंकी को कितने टाइम में खाली करेगा, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मैं ये पता लगा लूं कि जो सी है भरी हुई टंकी को कितने टाइम में खाली करेगा, ठीक है, तो मैं आंसर निकाल सकता हूं कैसे। 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो जितने टाइम में भरी हुई टंकी को खाली करेगा, 45 को उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कैपेसिटी आ जाएगी सिस्टम की, यानी उसमें से उतना पानी बाहर निकालेगा जितना उसमें आ सकता है, ठीक है। तो आइए पहले हम सी का टाइम निकालते हैं, अपना आंसर निकाल लेते हैं। सी का टाइम निकालने के लिए वही काम करेंगे जो पहले क्वेश्चंस में हम कर रहे हैं, कि ए भरता है भाई 30 घंटे में, बी भरता है 20 घंटे में, ठीक है, और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो लगते हैं 15 घंटे। तीनों का एलसीएम आ गया भाई 32 जा 23 जा 15,
अब यहां से आपको सी की एफिशिएंसी निकालनी है। पहले सी की एफिशिएंसी मैंने बताया कैसे निकालनी, ए प्लस बी प्लस सी है, मुझे सी चाहिए तो इसमें से बी और ए माइनस कर दो, बी और ए माइनस कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ गया सी। अब सेम काम यहाँ करना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, फोर, ए है टू बी है थ्री, तीन और दो कितना हो गया पांच, पांच और चार का डिफरेंस ले लो, पांच और चार का डिफरेंस कितना है एक, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एक आ गई। ठीक है भाई, अब सी की एफिशिएंसी एक आ गई तो टाइम ऑफ सी आ गया, टाइम ऑफ सी, सी इस भरी हुई टंकी को कितने टाइम में खाली करेगा भाई, 60/1 यानी 60 आवर्स। अब 60 आवर्स के मिनट बना लो तो कितना हो जाएगा, 60 × 60 मिनट्स, 3600 मिनट। ठीक है भाई, समझ रहे हो, मिनट क्यों बनाए, क्योंकि देखो मुझे जो डाटा दिया हुआ है वो भी मिनट में दिया हुआ है। अब मुझे दिया हुआ है जो आपका सी है, जो आपका पाइप सी है, एक मिनट में कितना पानी बाहर निकालता है भाई, 45 लीटर, एक मिनट में 45 लीटर निकालता है, तो 3600 मिनट में कितना लीटर निकालेगा भाई, 3600 मिनट में निकालेगा 3600 × 45, इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 1,62,000, तो 1,62,000 लीटर पानी ही इस टैंकी के अंदर आ सकता है। क्यों, क्योंकि देखो हमने क्या निकाला, जो सी है वो पूरी भरी हुई टंकी को कितने टाइम में खाली करता है, 60 घंटे, 60 घंटे मतलब 3600 मिनट। सी जो है पूरी भरी हुई टंकी को कितने टाइम में खाली करता है भाई, 3600 मिनट्स में। ठीक है, अब 3600 मिनट में जितना पानी ये बाहर निकाल देगा उतना ही पानी वो स्टोर कर सकती है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी क्या है, 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 3600 मिनट में 1,62,000 लीटर पानी बाहर निकालेगा, इसका मतलब कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना आ गया, 1,62,000 लीटर। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, बताइए भाई फटाफट से, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स, अ टैप फिल द टैंक एट द रेट 4 लीटर पर मिनट, इफ बोथ टैप्स आर ओपन देन द टाइम देन द टैंक विल एम्प्टी इन 8 आवर्स, फाइंड कैपेसिटी ऑफ टैंक। कहते हैं टंकी के तल में एक छिद्र है जो उसे 6 मिनट में खाली कर देता है, 6 घंटे में खाली कर देता है, एक नल टंकी को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है, तो टंकी की क्षमता ज्ञात कर। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में आपको खाली करने वाले का रेट दिया हुआ था कि 1 मिनट में इतने लीटर पानी बाहर निकालता है, इस बार आपको भरने वाले का दिया फिल, है ना, तो आप ध्यान रखिएगा जिस टैप का आपको ये रेट दिया हो कि 1 मिनट में कितने लीटर पानी बाहर निकालता है या अंदर भरता है, आपको उसी का टाइम निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, अगर भरने वाली टूटी का आपको डाटा दे रखा हो 1 मिनट में इतने लीटर, तो आप भरने वाली टूटी यानी टैप का टाइम निकालेंगे, और अगर आपको खाली करने वाले टैप का ये एट द रेट दे रखा हो तो आप खाली करने वाले, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकालती है, तो मैंने इसीलिए टैप सी का टाइम निकाला। अब यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, टैप जो है वो फिल करती है इतने लीटर पानी, तो मैं भरने वाले का टाइम निकालूंगा, खाली करने वाले का नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो आइए जानते हैं कैसे करेंगे। ए मान लीजिए भाई किसी टैंक को खाली करता है 6 घंटे में, कहते अगर दोनों को खोल दिया जाए, ए प्लस बी दोनों को खोल दिया जाए तो 8 घंटे में टैंक खाली हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं माइनस नहीं ले रहा, आपको लग रहा होगा सर खाली करने वाले में माइनस लेते थे, क्योंकि ऊपर भी टंकी खाली हो रही है और नीचे वाले केस में भी खाली हो रही है, तो दोनों तरफ माइनस होएगा, इसलिए आप अगर माइनस नहीं भी लेते तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन में क्या होता था, कुछ भरते थे कुछ खाली करते थे, इसलिए हम माइनस जरूरी लेते, बट जब आपका पहला टैंक भी खाली कर रहा हो दूसरे केस में भी खाली कर रहा हो, तो आप विदाउट माइनस भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एलसीएम ले लीजिए भाई, एलसीएम आ जाएगा 24, 6 4 8 3।
अब देखो आपको किसका टाइम चाहिए भाई, बी का चाहिए, क्योंकि देखो ए तो है खाली करने वाला, ए और बी दोनों करते हो तो भी खाली होते हैं, इसका मतलब भरने वाला कौन है भाई, बी है। मैंने खाली करने वाले को ए लिया है, भरने वाले को बी लिया, तो बी चाहिए तो सिंपल है भाई, कैसे, ए प्लस बी में से ए माइनस कर दो, ए माइनस करोगे तो यहाँ बी मिलेगा, 4 और 3 का डिफरेंस ले लो तो कितना आ जाएगा, 1, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। अब टाइम ऑफ बी सिंपली कितना आ जाएगा भाई, 24/1 यानी कि 24 आवर, 24 आवर का मतलब 24 × 60 मिनट, ठीक है ना। आप समझते हो आप मिनट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें डाटा मिनट में दिया हुआ है। अब हमें दिया हुआ है 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता है भाई, 4 लीटर, 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता है, 4 लीटर, तो 24 × 60 मिनट में कितने लीटर पानी भर देगा, 4 × 24 × 60, 6 × 4 = 24, 24 का स्क्वायर होता है भाई 576, और पीछे 0 आ जाएगा, तो इतने लीटर आपका आंसर आ जाएगा, 5760 लीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आंसर वुड बी 5760 लीटर, ये कैपेसिटी, ये कैपेसिटी आ जाएगी भाई आपके टैंक की, ठीक है। क्लियर हुआ है तो भाई वाई टाइप करेंगे, नहीं हुआ तो पूछ लेंगे, जल्दी से बताओ भाई क्लियर है या नहीं, क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो दोबारा पूछ। बताएंगे भाई फटाफट से एक बार, क्लियर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये भी देखिएगा। कहता है टैप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली, एंड आउटलेट पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 20 आवर्स। इनिशियली टैप ए एंड बी आर ओपन्ड एंड व्हेन द टैंक वाज सपोज्ड टू फिल, इट वॉज फाउंड दैट टैप सी वॉज ओपन बाय मिस्टेक। नाउ द टैप सी इज बीइंग क्लोज्ड आफ्टर हाउ मच टाइम द टैंक विल फिल। कहते हैं भाई ए और बी दो नल किसी टंकी को क्रमशः 10 व 15 घंटे में भर सकते हैं, तथा नल सी उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। कहते हैं आरंभ में नल ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु जब टंकी भरने वाली होती है तो पता चलता है कि गलती से नल सी भी खुला रह गया था, अब उसे बंद कर दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए अब कितने समय बाद टंकी भर जाए। ध्यान से सुनिए भाई क्वेश्चन क्या है, दो टैप है ए और बी जो 10 और 15 आवर्स में इसको भर सकते हैं, ठीक है, और एक टैप सी है जो इसे 20 घंटे में खाली कर सकते। आपने तो अपने हिसाब से टैप ए और बी को ओपन किया, और जब आप ए और बी के हिसाब से पाने लगे कि अब बस टैंक भरने वाला है, तभी आपको एकदम पता लगता है कि गलती से टैप सी भी ओपन रह गया था। अब आपने क्या किया, अब टैप सी को आपने बंद कर दिया। अब ध्यान से सुनना भाई, टैप सी को बंद करने के बाद आपको बताना है कितनी देर बाद टैंक भर जाएगा। देखो शुरू से एंड तक का टाइम नहीं बताना, आपको कौन सा टाइम बताना है, जब आपने टैप सी को बंद कर दिया, जब आपने टैप सी को बंद कर दिया तो टैप सी को बंद करने के कितनी देर के बाद टैंक भर जाएगा, ठीक है भाई, यानी टैप सी को बंद करने के कितनी देर के बाद टैंक भर जाएगा, ये आपको बताना है, पूरा टाइम नहीं बताना। तो देखिए भाई ए भरता है 10 में, बी भरता है 15 में, और सी इसको खाली कर सकता है 20 में। खाली कर रहा है तो क्या लेंगे भाई, माइनस, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 10 6 = 15, 4 = 20 - 3, ठीक है भाई, क्लियर है। आप देखो आप अपने हिसाब से क्या कर रहे थे, आप अपने हिसाब से चले कि ए और बी सिर्फ ओपन है, अगर ए और बी ओपन होते तो टाइम टू फिल टैंक, टैंक को फिल करने का टाइम ए प्लस बी का कितना होता भाई, 60/6 और 4 = 10, कितने घंटे, 6 घंटे, ठीक है। आपके हिसाब से टैंक कितने घंटे में भर जाना चाहिए था, 6 घंटे में, क्योंकि ए और बी के हिसाब से 10 की एफिशिएंसी में ये 6 घंटे में इस टैंक को भर देंगे, बट गलती से इतने टाइम तक टैप सी भी ओपन रहा, गलती से इतने टाइम तक टैप सी भी ओपन रहा,
तो टैब सी अगर 6 घंटे ओपन रह गया तो 6 घंटे में कितना पानी बाहर निकाल देगा? 6 3 18, ठीक है भाई, 18 लीटर पानी इसने बाहर निकाल दिया हो, ठीक है भाई। अब अगर 6 घंटे तक टैंक भर जाना चाहिए था, बट 6 घंटे तक ही आपका क्या है भाई, टैब सी भी गलती से ओपन रहा, तो माइनस मतलब 3 की एफिशिएंसी से 6 3 18 लीटर पानी इसने बाहर निकाला होगा। अब इसी 18 लीटर, अब आपने क्या किया, टैब सी को बंद कर दिया। अब जब टैब सी को बंद कर दिया तो ये 18 लीटर पानी आपको और भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 18 लीटर पानी कौन भरेगा भाई, ए और बी। तो अब आप टाइम निकालोगे किसका, ए और बी का। ए और बी इस 18 लीटर पानी को कितनी एफिशिएंसी से, 6 और 4 10, कितनी एफिशिएंसी से, 10 की एफिशिएंसी से जितने टाइम में भरेंगे वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 9/5 हो गया, इसको आप बोल सकते हो 1 4/5 आवर्स, और इसका आंसर क्या हो सकता है भाई, 1 आवर एंड 48 मिनट्स, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से एक बार फिर सुनो, ए और बी जो है इतने इतने में भरते हैं, सी इतने टाइम में खाली कर, आप अपने हिसाब से सिर्फ ए और बी को ओपन करके गए थे, और जैसे ही आपको लगा कि अब टैंक भरने वाला है तभी आपको एकदम से पता लगता है कि गलती से सी भी ओपन है। तो ए और बी कितने टाइम में भर सकते हैं भाई इसको, 6 घंटे में। तो 6 घंटे तक आपका टैप सी भी ओपन रहा, अगर 6 घंटे तक ये ओपन रहेगा तो 6 3 18, 18 लीटर पानी ये बाहर निकाल देगा। तो 60 में से 18 लीटर पानी नहीं भरेगा, तो इस 18 लीटर पानी को अब आपने टैप सी को बंद भी कर दिया, अब टैप सी को बंद कर दिया अब तो पानी बाहर नहीं जाएगा, अब आपको यही 18 लीटर पानी भरना है। बट भरने वाले कौन से दो टैप है भाई आपके, ए और बी, यानी इस 18 लीटर पानी को जितने टाइम में ए और बी भर देंगे अगले उतने मिनट में ही आपका टैंक भर जाएगा, ठीक है भाई। तो आपको क्या निकालना है, 18 लीटर भरवाना है ए और बी से, 18 लीटर भरना है ए और बी, ए और बी की एफिशिएंसी है 10, 10 की एफिशिएंसी से 18 लीटर जितने टाइम में भरेंगे उतने में आपका आंसर आ जाएगा, यह आएगा 1 4/5 आवर या 1 आवर 48 मिनट, ठीक है भाई। क्लियर है, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं क्लियर तो पूछ लीजिए, बताइएगा भाई फटाफट से। क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं क्लियर तो पूछ लें, वाई वाई वाई, ठीक है भाई। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपको दिया है। अ बाथ कैन बी फिल्ड बाय कोल्ड वाटर पाइप इन 10 मिनट्स एंड बाय हॉट वाटर पाइप इन 15 मिनट्स। अ पर्सन लीव्स द बाथरूम आफ्टर टर्निंग ऑन द बाथ पाइप साइमल्टेनियसली एंड रिटर्न एट द मोमेंट व्हेन द बाथ शुड बी फुल। फाइंडिंग दैट द वेस्ट पाइप हैज बीन ओपन, ही नाउ क्लोज्ड इट। इन 4 मिनट्स मोर द बाथ इज फुल। इन व्हाट टाइम वुड द वेस्ट पाइप विल एम्प्टी द बाथ। देखिए भाई बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है एक टैंक को ठंडे पानी वाला नल व गर्म पानी वाला नल क्रमशः 10 व 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोलकर चला जाता है और वापस उस समय पर आता है जब टैंक बक को भर जाना चाहिए, किंतु वापस आने पर उसे ज्ञात होता है कि निकास नल खुला रह गया। अब वह उसे बंद कर देता है और अगले 4 मिनट में टैंक भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए निकास नल टैंक को कितने समय में खाली करते हैं। अब इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से क्या अलग है, पिछले क्वेश्चन में आपको बताना था कि अगले कितने मिनट के बाद टैंक भर जाएगा, बट इसमें दिया हुआ है कि अगले 4 मिनट बाद टैंक भर जाता है। ये डाटा आपको दे रखा है कि अगले 4 मिनट में टैंक भर जाता है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो भरा जो आपका निकास नल है वो इसको कितने टाइम में खाली करता है, ठीक है, आपको तो बस ये बताओ। तो आइए देखें कैसे करेंगे इसको। देखो भाई ए और बी भर सकते हैं इसको कितने टाइम में, 10 और 15 मिनट, 10 15 कैल्सियम 30, 10 3 15, ठीक है। ये दोनों मिलके इसको कितने टाइम में भर देते हैं भाई, टाइम ऑफ ए प्लस बी हो जाता आपका 30/5 यानी 6 मिनट, 6 मिनट में ये इसको भर सकते थे, ठीक है। बट आपको मालूम है 6 मिनट तक आपका निकास नल भी खुला रहा, ठीक है,
6 मिनट तक आपका निकास नल भी क्या रहा भाई, खुला रहा। बात समझ पा रहे? 6 मिनट तक आपका निकास नल भी क्या रहा भाई, खुला रहा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरे, तो इसका मतलब 6 मिनट तक आपका ये पाइप भी ओपन रहा भाई, वेस्ट पाइप भी। ठीक है, अब देखो सी का 6 मिनट का काम बराबर होगा। देखो ध्यान से यहां पे समझना, अगर 6 मिनट तक सी ओपन रहा तो सी ने इस 6 मिनट में जितना पानी बाहर निकाला होगा उसी पानी को अगले 4 मिनट में किसने भरा होगा, ए और बी ने। जैसे पिछले क्वेश्चन में था 6 3 18, 18 लीटर पानी निकला था ना, वो 18 लीटर कैसे आया था, यही 6 मिनट आए थे। ठीक है ना, कि अगर 6 मिनट तक सी भी चलता रहे तो सी 6 मिनट में जितना पानी बाहर निकालेगा उसी पानी को कौन भरेंगे, ए और बी। बट ए और बी उस पानी को कितने मिनट में भर देते हैं, 4 मिनट में। तो अगर मैं सी की एफिशिएंसी सी मान लूं, ठीक है क्या हुआ भाई, अगर मैं सी की एफिशिएंसी सी मान लूं, ठीक है ध्यान से देखिएगा, अगर सी की एफिशिएंसी मैं सी मान लूं, ठीक है, तो देखो सी 6 मिनट में जितना पानी बाहर निकालेगा ए और बी उतना ही पानी अगले 4 मिनट में भर देंगे। फिर मैं वर्क को इक्वेट कर रहा हूँ, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो सी का 6 मिनट का काम बराबर होगा ए प्लस बी के 4 मिनट के काम। ठीक है, और ए और बी की एफिशिएंसी आपके पास है, ए की है 3, बी की कितनी है, 2। 3 और 2 क्या, 5। तो सी इंटू 6 बराबर 5 इंटू 4, ए और बी की जगह मैंने 5 रख दिया, तो सी आ गया आपका 20/6, जिसे आप बोल सकते हो भाई 10/3। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से, 10/3। सी की एफिशिएंसी 10/3 आ गई। अब आपको टाइम किसका निकालना है, सी का, और सी की एफिशिएंसी मिल गई। वर्क कितना भाई, 30। तो 30 को डिवाइड करना है 10/3 से, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 9 मिनट। इसका मतलब सी अकेला इसे कितने मिनट में खाली कर देगा भाई, 9 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, सिर्फ भाई समझ नहीं आता, थोड़ा सा हम घूम जाते हैं, यहाँ घूमना नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है भाई, घूमना नहीं है आपको, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताएंगे भाई। ठीक है, वैसे होनी नहीं चाहिए। एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत लगती है तो बताइए मुझे फटाफट से, ऐसे दिक्कत होगी नहीं भाई। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्लियर है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ए बी एंड सी आर पाइप्स अटैच टू अ सिस्टर्न, ए एंड बी कैन फिल इट इन 20 एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, वाइल सी कैन एम्प्टी इट इन 15 मिनट्स। ठीक है, कह रहा है इफ ए बी सी आर केप्ट ओपन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच, हाउ सून, सीन नहीं है भाई, सून है, हाउ सून विल द सिस्टम बी फिल्ड। कहता है एक होज में ए बी सी 3 नल लगे हुए हैं, ए व बी होज को अलग अलग क्रमशः 20 व 30 मिनट में भर सकते हैं, नल सी होज को 15 मिनट में खाली कर सकता है, ए बी और सी को क्रमिक एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो होज कितने समय में भरेगा। ये वही टाइप आ गई भाई अल्टरनेट वाली, जो कल आपको टाइम एंड वर्क में बताई थी। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करना। ए है, बी है और सी है, ये भरता है भाई 20 मिनट में, ये भरता है 30 मिनट में, और ये खाली करता है 15 मिनट। इनो का एलसीएम हो गया भाई 60, 20 3 जा 30, 2 जा 15,
और ये -4। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब आपको साइकिल देखनी होगी। देखो पहली बारी आएगी भाई, एक एक मिनट के लिए चलाया जाता है। पहले 3 लीटर भरेगा, फिर ये 2 भरेगा। कितना भरा गया? 3 और 2 5। फिर ये 4 खाली कर देगा। ठीक है भाई, ये 3 लीटर भरेगा, ये 2 लीटर भरेगा और ये 4 लीटर खाली कर देगा। तो नेट इफेक्ट में कितना लीटर भरा गया? सिर्फ 3 मिनट में कितना भरा गया भाई? 1 लीटर। ठीक है, 3 मिनट में कितना भरा गया? सिर्फ 1 लीटर। समझ रहे हो? 3 मिनट में कितना भरा गया? सिर्फ 1 लीटर। अब देखो आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ये साइकिल अब तोड़नी होगी। तोड़ने के लिए एक तो आपको खाली करने वाला छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो बचे हुए 2 होते हैं, ये कितने हैं भाई? 3 और 2 5। 60 में से इस 5 को माइनस करना है। ठीक है भाई, आपको क्या करना है? 60 में से 5 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा? 55। यानी आपको अपनी जो एक कैलकुलेशन है कहाँ तक करनी है भाई? 55 तक। बंदर वाला क्वेश्चन याद आ रहा होगा आपको, मैंने टाइम एंड वर्क में कराया था, उसमें से हम माइनस करते थे लास्ट में, है ना? तो जो माइनस करते थे वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि देखो आपको साइकिल कंप्लीट नहीं करनी। साइकिल कंप्लीट करोगे तो लास्ट में 4 लीटर पानी बाहर निकाल देगा, ऐसे तो कभी आपकी टैंक भरेगी नहीं। तो आपको साइकिल इनकम्प्लीट करने के लिए लास्ट स्टेप छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ोगे तो बचे हुए 2 स्टेप भी आपको छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 और 2 5, तो 60 में से 5 छोड़ दो, कितना हो गया? 55। यानी आप इस जो 3 मिनट में 1 लीटर भरेगा, इसकी कैलकुलेशन 55 लीटर तक करोगे। तो इसको 55 से और इसको भी 55 से, तो ये हो गया भाई 165 मिनट में भरेगा आपका 55 लीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी किसकी आएगी? नेक्स्ट बारी आएगी ए की। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा भाई, नेक्स्ट बारी आएगी ए की, 1 मिनट चलेगा 3 लीटर भर देगा। नेक्स्ट बारी आएगी किसकी भाई? बी की, भी 1 मिनट चलेगा, कितने लीटर भर देगा भाई? 2 लीटर। 55 3 58 और 2 कितना हो गया? 60 लीटर। 60 लीटर पूरा हो गया। 165 66 67 मिनट कितने हो गए? 167 मिनट्स। तो यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 167 मिनट्स। यानी 167 मिनट्स में आपका कितने लीटर भर जाएगा भाई? 60 लीटर भर जाएगा। ठीक है, ये स्टेप करना मत भूलिएगा भाई। ठीक है, अल्टरनेट वाले क्वेश्चन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे भाई, एक बार देख लो पहले, कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई, नहीं तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कोई ऐसी दिक्कत लगती है आपको। ठीक है भाई, मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी, कर दूं क्या एक बार रिपीट? एक बार रिपीट कर देते हैं भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं रिपीट करने को, तो ठीक है एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। देखो क्या दिया हुआ था, कब भाई मंकी वाला भी एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, दूर हो जाएगा मंकी वाला क्वेश्चन। आप देख रहे हैं, कहते हैं ए बी सी 3 पाइप है जिसे आपने सिस्टम के साथ अटैच किया। कहता है ए और बी भर सकते हैं 20 और 30 मिनट में, सी उसे खाली कर सकता है 15 मिनट। आपको ए बी सी को बारी बारी चलाना है एक एक मिनट के लिए। ठीक है, तो यानी पहले 1 मिनट चलेगा ए, तो ये 3 भर देगा। फिर अगले मिनट कौन चलेगा? बी, तो ये कितना भर देगा भाई? 2 भर देगा। फिर अगले मिनट चलेगा सी, ये कितना खाली कर देगा? 4 खाली कर देगा। तो इस तरह से टोटल 3 मिनट, क्योंकि 3 मिनट बाद फिर रिपीट होगा ए बी सी, फिर रिपीट होगा ए बी सी, तो एक साइकिल चलेगी 3 मिनट की। 3 मिनट में 3 ये भरेगा, 2 ये भरेगा। 3 और 2 कितना भरा भाई? 5। 5 में से 4 खाली कर देगा, कितना रह जाएगा? ए। तो इसका मतलब इस साइकिल के हिसाब से 3 मिनट में हम कितने लीटर पानी भर पाएंगे? 1 लीटर। बट ये साइकिल टोटल 60 तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लास्ट बारी किसकी आएगी? खाली करने की। अगर आप सोचो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहे तो लास्ट बारी आएगी भाई खाली करने की। खाली करने की बारी आएगी तो टैंकी कभी भरेगी नहीं, इसलिए मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ूंगा तो बचे हुए 2 नंबर को भी मैं छोड़ूंगा, मैं साइकिल कम पे लेके जाऊंगा। ठीक है भाई, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 60 में से इस 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। यानी मैं श्योरिटी ले लूंगा कि 55 लीटर तक तो ये साइकिल चलेगा, उसके बाद मैं मैन्युअली कैलकुलेट कर लूंगा एक एक करके। ठीक है, ताकि मेरा आंसर गलत ना है। 1 लीटर के 55 बनाने के लिए 55 से मल्टीप्लाई, टाइम भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 55 से। तो यहाँ आपका आ गया भाई कि 55 लीटर भरा जाता है 165 मिनट।
अब अगली बारी किसकी आएगी, ए की, 1 मिनट में 3 लीटर भर देगा। फिर अगली बारी आएगी बी की, बी अगले 1 मिनट में 2 लीटर भर देगा। टोटल कितना हो गया, 60। 60 लीटर भरा गया भाई कितने मिनट में, 167। तो इसका आंसर कितना आ गया, 167 मिनट। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना, ठीक है? बाकी कोई डाउट समस्या होती है तो भाई आप पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी नहीं होगी, ठीक है भाई? तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे, इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है भाई? ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।